यो सब गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज की गेम प्ले वीडियो में हम लोग फिर से खेलने वाले हैं न्यू गैंग्स ओनलीज। तो आप लोगों ने जैसे पिछली गेम प्ले वीडियो में देखा होगा गाइस कि हम लोगों ने पिछली गेम प्ले वीडियो में एक बहुत ज्यादा महंगी कार जो हम लोगों ने ईमैन के लिए मॉडिफाई कर दी थी, उसको यार ईमैन ने एक किसी बंदे को गिफ्ट दिलवा दिया था। उसके बाद हम लोग वापस से अपने शोरूम पे आए, तो यार हम लोगों के जो मैनेजर है उसने हम लोगों से कहा कि किसी बंदे ने हम लोगों को एक फॉर्मूला वन रेसिंग कार का मतलब कि उसने हम लोगों को ऑर्डर दिया था जिसको हम लोगों को डिलीवर करके आना था। पर यार सीन कुछ ऐसा था कि हम लोग फॉर्मूला वन रखते नहीं थे, पर उसके वो जो है वो ईमैन का बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, जिस वजह से यार हम लोगों को वो कार दूसरी सिटी से ला के मॉडिफाई करके उस बंदे को डिलीवर करनी पड़ी। उसके बाद यार ईमैन ने हम लोगों से कहा कि लास्ट टाइम उसके जो घर है मतलब कि जो उसका सीक्रेट बेस है जहाँ पे वो रहता था, जहाँ पे हम लोग कई बार उससे मिलने भी गए हैं, तो यार वहाँ पर किसी जैपनीज गैंगस्टर का अटैक हुआ, तो यार हम लोग भी गए थे उसी गैंग बेस पे। तो यार वहाँ देखा, वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे और वो भी हाईटेक वेपन के साथ खड़े थे। तो यार एक एक करके उन सभी को मारा। उसके बाद जो जैपनीज बंदे मतलब गैंगस्टर था उसकी जो बुरी हालत करी ना, सीधा बाल्टी घुसेड़ के उसके मुंह पे एक रैप्टा बजा। तो यार गाइस यार पूरी की पूरी मेरी ईमेल से बात हो चुकी है, पर यार ईमेल जो मेरे को शॉकिंग न्यूज़ दी है ना, वो यार अभी भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा। लास्ट टाइम यार आप लोगों को पता होगा कि ईमेल को एक बंदे ने किडनैप किया था। वो बंदा जो है वो बेसिकली सर जैपनीज गैंगस्टर का हेड है, मतलब जो जापानीज गैंगस्टर था ना वो इस गैंगस्टर मतलब अंडरवाटर गैंगस्टर के लिए काम करता था और वो छोटे मोटे कॉन्टैक्ट्स वगैरह लेता था जापानीज गैंगस्टर। पर यार जो ये अंडरवाटर गैंगस्टर है ना, ये इस पूरी सिटी का माफिया है, मतलब इसको माफिया कहा जाता है, यहाँ के पुलिस वाले इसको माफिया कहते हैं। चलो कोई सीन नहीं है, पर यार ईमैन ने हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी कहा है। उसने कहा है कि हम लोग को कोई एक ऐसी कार ढूंढनी होगी जो यार बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, कार हो, टैंक हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, पर वो फुल्ली बुलेट प्रूफ और फुल्ली मतलब बॉम्ब प्रूफ भी होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी बड़ी फाइट होती है तो वो जो कार है वो इजीली वहाँ से बच जाए। तो यार बचने के लिए वैसे हम लोग वहाँ से भाग जाए उस कार से, तो अगर वो तो बात की बात है, अभी जल्दी से हम लोग सीधा अपने शोरूम पे निकल लेते हैं, क्योंकि यार मेरे ख्याल से मेरे पास एक ऐसा ट्रक है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और फुल्ली बुलेट प्रूफ भी है और फायर प्रूफ भी है। तो गाइस यार यहाँ पे मैं इस हाईवे से जा रहा था, अचानक से सामने चेकिंग हो गई और चेकिंग करवाने के लिए मैं उतरा, अचानक से पुलिस वालों ने मेरे ऊपर फायर कर दिया और यार उन लोगों को दिखाने के लिए मैंने भी उन पर मतलब रिवर्स फायर कर दिया, क्योंकि मैं भी अपने डिफेंस में फायर तो यार करूँगा ही करूँगा। जिस वजह से यार यहाँ पे 4 स्टार की पुलिस आ चुकी है, मतलब स्वेट सोल्जर आ चुके हैं, जो आप लोग सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। पर यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा ऐसा मैंने क्या कर दिया जिस वजह से ये पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए। मैं तो यहाँ पे नॉर्मली कार चेकिंग करवा रहा था और जैसे ही मैंने कार आके रोकी तभी 2 पुलिस वालों ने आके पीछे से अटैक कर दिया और मेरे को भी मतलब अपने मतलब रेस्क्यू के लिए उन पर फायर करना पड़ा। तो यार मेरी कोई गलती नहीं है, पर पता नहीं क्यों ये पुलिस वाले इतनी चौड़ दिखा रहे हैं, इनको तो यार इनका तो बुरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार ये काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या समझ में आ रहा हो, ये देखो मतलब एक ही लॉन्चर में सीधा नीचे जाके गिरा है। चलो कोई नहीं, अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी सारे, ओ भाई मैं तो सीधा उस स्वेट सोल्जर के पास जाके खड़ा हो गया था, कहीं वो मेरे को पकड़ के सीधा अरेस्ट ना कर लेता। इतनी आसानी से अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यार मेरे पास हाईटेक वेपन्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा मिनी पावरफुल वेपन्स भी हैं। यहाँ पे ये देखो, मतलब कि मेरे पास एक स्नाइपर है जिसमें क्या कहते हैं कोई भी स्कोप नहीं लगा हुआ, बेसिकली से ये का 98 है जो यार बहुत नॉर्मली चलती है और चलने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गन है। और ये देखो मतलब कितनी ज़ोर से क्या कहते इसने टक्कर मारी कि ये जो ट्रक है वो यहाँ आके गिरा, इधर इधर ये एक शॉट में पार। और ये देखो मतलब कि आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ओ भाई ये तो सीधा लॉन्च हो गया है रॉकेट की तरह ऊपर गया। चलो कोई नहीं गाइस, काफ़ी ज़्यादा सही हो इधर इधर, मतलब कि ये स्वेट सोल्जर कितने सारे हैं। अभी ये लोग ट्रक के अंदर नहीं है, अच्छा हुआ ये लोग ट्रक के अंदर नहीं है, वरना कभी कभार क्या होता है, ओ भाई मैं तो अपने डिफेंस के लिए क्या कहते इनके पास ही मिसाइल लॉन्चर चला दे रहा हूँ, कहीं मेरी ज़्यादा हेल्प ना चली जाए, इसलिए मैं थोड़ा नॉर्मली दूर खड़े होके आराम से फायर करूँगा।
वैसे ये जो फोर पाइप वाला जो मिसाइल लॉन्चर है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगता है, क्योंकि यार ये ना एक बार में बड़े से बड़ा ट्रक भी ब्लास्ट कर सकता है। तो यार गाइस यहाँ पे मिलिट्री का जो टैंक है वो आ चुका है, ये देखो। मतलब कि इन लोगों के जो टायर्स होते हैं इतने ज़्यादा जंपिंग पावर में होते हैं कि ये कहीं से भी कभी भी आराम से जंप मार सकते हैं। अब बस गाइस मेरे को क्या करना है, ईमेन ने कहा था कि कोई पावरफुल ट्रक या कुछ भी चाहिए, तो यार हम लोग ना ये मिलिट्री का जो टैंक है वो लेके चलेंगे, क्योंकि यार ये जो टैंक है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और जो टेररिस्ट वगैरह हैं वो भी कई बार फाइट में यही टैंक को यूज़ करते हैं। आप लोग सोचोगे ये पूरा का पूरा टैंक कैसे इतना ज़्यादा टिक के रह जाता, क्योंकि यार इसके जो व्हील्स हैं वो फुल्ली बुलेट प्रूफ है, इसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो मेड ऑफ क्या कहते हैं आर्मर है। तो यार ये जो पूरी की पूरी गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। चलो कोई नहीं गाइस, जल्दी से मैं सीधा हाईवे पकड़ लेता हूँ, निकलता हूँ कोई सीधे से माउंटेन पे सीधा निकल लेते हैं, क्योंकि यार मेरे ख्याल से पुलिस वाले जो है ना वो माउंटेन पे नहीं आ पाते। और अब तो यार यहाँ पे मिलिट्री आ चुकी है तो वो तो खास करके माउंटेन्स पे नहीं चढ़ेगी, बस ये होगा कि जगह जगह पे जो स्वेट सोल्जर्स हैं पुलिस वाले हैं वो क्या कहते हैं हमारा रास्ता ब्लॉक कर लेंगे ताकि हम लोग उस रोड से निकल ना पाए। पर यार हमारे हाथ में इतनी पावरफुल कार है, मतलब इतनी पावरफुल टैंक है, मैं कार क्यों बोल रहा हूँ, इतना पावरफुल टैंक है, तो यार कोई भी आराम से मिलिट्री वालों से पीछे छुड़ा के भाग सकता है। मेरे ख्याल से यार मिलिट्री वाले अब नहीं आ रहे हैं, ओ भाई ये तो पीछे ही चले आ रहे हैं, मेरे को भगाना पड़ेगा और मैं ना सामने वाले माउंटेन पे ले चल। तो गाइस यहाँ पे जैसे तैसे करके मैंने वो जो गाड़ी है ना वो इस ब्रिज के नीचे पार्क कर दी है, और वो नॉर्मली वहीं खड़ी है। पर यार मेरे को अभी अभी ईमेन का कॉल आया, उसने कहा है कि उसने एक बहुत ज़्यादा तगड़े और पावरफुल ट्रक का इंतज़ाम कर लिया है। तो यार मैं फालतू में ही उस ट्रक को लेके यहाँ आ गया। चलो कोई नहीं, यार पुलिस वालों को भी आज पता चल गया होगा कि उनसे बड़ी पावर इस सिटी में आ चुकी है। तो गाइस जल्दी से हम लोग सीधा निकल लेते हैं, क्योंकि यार जो लोकेशन ईवेंट ने मेरे को बताई है वो बस यहाँ से सीधे सीधे जाना है। एक मेंशन में क्या कहते वो जो ट्रक है वो पार्क किया है, अब पता नहीं उसने कहाँ से जुगाड़ लगाई होगी इस ट्रक की। अच्छा हो कि उसने हमारे शोरूम से ही किसी बंदे से बोला हो उस ट्रक को ले जाने को, अगर नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि देख लेते हैं, अगर पावरफुल होगा तो ठीक है, वरना हमारे पास अगर टाइम होगा तो हम ही मॉडिफाई करवा लेंगे। ओ भाई मतलब कि ये घर तो मेरे शोरूम के मैनेजर का है, और ये जो ट्रक है ना ये पक्का हमारे शोरूम से ही ईमेन ने क्या कहते कहा होगा लाने को। चलो कोई नहीं गाइस, ईमेन ने कहा है तो कोई नहीं, अपना फ्रेंड है ऐसा, वो भी ऐसा ओनर ही है, क्योंकि मेरा दोस्त तो ओनर हो गई शोरूम का। तो यार जल्दी से अब हम लोग निकल लेते हैं उस लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा दूर है लोकेशन। तो गाइस यहाँ पे हम लोग उस लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, जल्दी से हम लोग सीधा चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या सीन है, कितने बंदे हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे, ओ भाई ईमेन ने मेरे को एक और बात बताई थी, वो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया। ईमेन ने मेरे से कहा था कि वो बंदा ना सेम तुम्हारी कॉपी कर रहा है, तभी पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पड़े। और यार मैं ना इतनी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से बताना भूल गया कि यार ये बंदे ने सेम आइडेंटिटी कार्ड मेरे जैसा बनवाया है, सेम फेस कॉपी किया है, और मतलब ड्रेस वगैरह हर चीज़ इसने मेरी सेम कॉपी करी। आप लोग सोच सकते हो कि ये जिस वजह से यार पुलिस वाले ना जगह जगह मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, मैं पुलिस वालों के ऊपर बेफालतू में अटैक कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अब आए हैं तो इन सभी बंदों को मार के ही जाएंगे, और इधर उधर छिप के फायर कर रहे, मैं भी अब थोड़ा छिप के ही फायर करूँगा। वो भाई मतलब कि शॉटगन चला रहे, इतनी पावरफुल शॉटगन। इधर देखे इधर देखे, अभी देखना इसके सीधा मुंह पे मिसाइल लॉन्चर पड़ेगा, वो भाई सीधा जाके समुद्र में गिरा है। चलो कोई नहीं, अब आगे की तरफ दो और बंदे बचे हैं, मेरे ख्याल से आगे ना हमारा लॉन्चर नहीं जा सकता, जिस वजह से यार मेरे को ही जाना पड़ेगा। तो गाइस यार यहाँ पे मेरे को पता था कि ये बंदे ना नॉर्मल गन से नहीं मरने वाले, इसीलिए ना मैं काफ़ी सारी मिसाइल लॉन्चर्स को मतलब ईमेन के ऑफिस से उठा लाया था, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा एमओ अगर मेरे पास ना होती तो मैं इजीली फाइट ना ले पाता। और इन बंदों से ज़्यादा इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा हाईटेक मिसाइल लॉन्चर्स है जो एक शॉट में ना मेरा काम तमाम कर सकती है। तो गाइस यार ये देखो सेम टू सेम, मतलब कि नाम भी मेरा नहीं इसने छोड़ा है, मतलब मैंने अपना इस गेम में नाम वेपन गेमर रखा है तो इसने भी अपना नाम वेपन गेमर रखा है। वैसे इसका नाम एस्टेल है,
जो मेरा कैरेक्टर है ना वैसे स्टेल है, जैसे GTA 5 में माइकल होता है, ट्रेवर होता है, फ्रैंकलिन, तीन कैरेक्टर होते हैं मेन, वैसे ही मेरा नाम इसमें स्टेल है। जल्दी से इसका भी खेल खत्म करते हैं। काफ़ी ज़्यादा यार उड़ रहा है ये, इधर उधर घूमता घूमता फायर कर रहा है, इधर 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 जल्दी इधर, मतलब कि मेरी कॉपी करेगा पर मेरी फाइटिंग स्किल्स कैसे कॉपी करेगा। चलो कोई नहीं, इसका तो बहुत बुरा हाल कर दिया, उसको उल्टा टांग के मारेंगे। तो गाइस यहाँ पे जल्दी से इसको उल्टा टांगते हैं हम लोग और मारते हैं गाइस उसको। सामने वाले जो आप लोग पोल देख पा रहे हो उस पर उल्टा टांग के हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। चलो कोई नहीं गाइस, पूरी रात मैंने उसको टॉर्चर किया है। अब यहाँ पे सुबह हो चुकी है और ईमन हम लोगों के लिए कार भी सामने खड़ी करवा दी थी। कोई दिक्कत नहीं यार, ईमन ना बहुत तगड़ा प्लान बनाता है, क्योंकि यार उसने हमारे लिए एक बैकअप प्लान भी रखा था। अगर यहाँ पे ज़्यादा गैंग होती ना तो यार वो क्या करता कि हम लोगों को सीधा मतलब एयर अटैक करने के लिए बोल देता। तो एयर अटैक करने के लिए बोलता तब तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा हाईटेक एयर मतलब एयर फाइटर प्लेन नहीं है, हेलीकॉप्टर इतने अच्छे नहीं है, जिस वजह से यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। पर यार ये जो कार है ना इतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट मार रही है, पूछो मत। मतलब थोड़ा सा भी मैं टर्न मार रहा हूँ पूरी की पूरी कार टर्न ले ले रही है। तो गाइस यार जल्दी से हम लोग सीधा निकल लेते हैं अपने सीक्रेट बेस पे, क्योंकि यार सीक्रेट बेस नहीं प्राइवेट पार्किंग पे, क्योंकि यार हम लोग वहाँ से सीधा बोट लेके निकलने वाले हैं ईमेन से मिलने दूसरी सिटी में। क्योंकि यार ईमेन ने हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा ग्रैंड पार्टी के लिए बुलाया, क्योंकि यार जिस बंदे से उसकी इतनी ज़्यादा दुश्मनी चल रही थी आखिरकार वो बंदा मर ही गया। मतलब मर क्या गया, उसको हम लोगों ने मार डाला इतना ज़्यादा टॉर्चर करके। वैसे उसने अपना सारा चीज़ बता दिया, क्योंकि यार लास्ट टाइम हम लोगों ने जिस बंदे को कार दी थी वो बंदा यही था, और हम लोगों ने ना इसको टॉर्चर करके हर एक चीज़ पूछ ली कि इसका पैसा कहाँ है, इसकी जो सबसे ज़्यादा महंगी कार जो हम लोगों ने इसको गिफ्ट करी थी वो कहाँ है। तो गाइस यार यही थी गेम प्ले वीडियो। अगर आप लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाओ कमेंट में जाके ये जरूर बताना, और मेरे को आगे और क्या न्यू करना चाहिए अपने शोरूम में वो भी आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द क्रॉस कर सकें। और यार इस वीडियो पे लाइक नहीं किया लाइक को करना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो पे लाइक एम खाली 100 लाइक्स का एम है, बहुत छोटा एम है। जल्दी जाओ लाइक बटन को दबा दो, एम को कंप्लीट कर दो। और यार मेरे को से बात करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट गेम वीडियो में, गुड बाय गाइस।